हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर और भाई थंबनेल में आपने देख लोगे मैं क्या लेने जा रहा हूँ। चलिए भाई के पास चलते हैं जो आपको दिखाता हूँ। तो भाई कहते हो तो आपके पास रेटेड मैंने रेटेड देखे थे ना, तो दिखा सकते आप मुझे। तो भाई ये इनकी शॉप है, कपड़े का सारा सामान। और आ जाओ, ओहो यहाँ पर बने रहे छोटे छोटे, ये ठीक है। तो गाइस भाई ने दे दिया है और भाई काफी अच्छे हैं, तो थैंक यू सो मच ब्रदर। तो गाइस मैं लेकर आऊँ भाई से स्टूडियो में, और गाइस ये मुझे सिर्फ 70 रुपए का मिला है। अलग अलग जगह हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं कुछ जानकारी के हिसाब से। तो गाइस देखिए ये रेडिएटर काफी पुराना है और भाई ये फॉक्सवैगन का है और इस पे ओडी के भी 4 रिंग बने हुए देख सकते हैं, और भाई जर्मनी। खैर इससे छोटे भी आ सकते हैं, बड़ा भी मिल सकता है, कबाड़े की चीज है। तो गाइस आज इस वीडियो में हम इस पुराने रेडिएटर से गाइस ऐसा जुगाड़ बनाएंगे। फ्रेंड्स गर्मी की माँ की आंख की बात थी, तो गाइस गर्मी भाई भग जाएगी। बिल्कुल नया टॉपिक, आपने आज तक ऐसा टॉपिक नहीं देखा होगा, फ्रेंड नहीं सोचा होगा। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करें, चलेगा चलते हैं अपने टॉपिक पर। समर एक्सपेरिमेंट गाइस मैं बाहर आ गया हूं, सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं। और दोस्तों प्लीज थोड़ी सी साउंड इग्नोर कीजिएगा, पीछे बैकग्राउंड में जनरेटर चलने की आवाज आ रही है, देखिए। तो गाइस सबसे पहले चेक करते हैं भाई लीक तो नहीं, क्योंकि गाइस पुराना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे यहां लगा लेता हूं, कहीं भी लगा ले एक ही बात है भाई। वाह बिल्कुल फिक्स आया है, पानी यहां से निकलना चाहिए दूसरी साइड से। आ जाए गाइस पानी निकल रहा है एंड फ्रेंड से ठीक है, लेकिन अभी गाइस ये नहीं पता भाई कहीं से फूटा हुआ तो नहीं है भाई। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ओहो गाइस देखिए ये यहाँ से लीक है, यहाँ से लीक है, आपको ऐसे पता ही लगेगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ऐसे लगाकर, तब आपको शायद पता लगे। देखिए देखिए एक यहाँ से लीक है और भाई एक यहाँ से लीक है गाइस, बाकी जगह से बिल्कुल फिट है। तो गाइस हमें इन्हें भरना होगा पहले। तो गाइस देखा जाए तो भाई ये पता भी लग रहा है कि यहाँ से छेद हो रहे हैं, होल हो रहे हैं दो जगह। अब भाई इन होलों को हमें बंद करने पड़ेगा। सबसे पहले गाइस ये हमने पानी भिगो दिया है, तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। लेकिन गाइस पहले भाई इन्हें निकाल लेते हैं, मैंने काफी कोशिश की इसे निकालने की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैंने पहले कर लिया था ना स्मार, अब यहाँ पे निशान देख सकते हो। तो मैंने तो भाई टाइम क्यों खराब करना, डायरेक्ट टॉय पर आते हैं। देखिए निकल गया यार, निकल ही जा आप तो, निकल जा। हाँ निकल गया। घुस गया। तो गाइस यहाँ पर भाई मेरे चोट भी लग गई है इसे काम करते करते, भाई प्लीज थोड़ा ध्यान से काम करें, मैं बैंडेड लगा देता हूँ। गाइस अभी इसे डायरेक्ट धूप में रख देते हैं जिससे भाई ये सूख जाए। तो गाइस इतने भाई वो सूख रहा है, तो मैंने सोचा भाई टाइम बचाने के लिए आपका और अपना, मैंने भाई पीवीसी पाइप की शीट कुछ कट कर ली है, 8.5 इंच और भाई 5 इंच के ये दो पार्ट है, और भाई 5 इंच और 7 इंच का ये एक पार्ट है। तो भाई अब मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब गाइस का ये वाला पार्ट और भाई चिपका देते हैं जिससे कंप्लीट हो जाए हमारा बॉक्स टाइप का। गाइस ये बन चुका है हमारा बॉक्स और काफी क्यूट सा लग रहा है। तो गाइस हमारा रेडिएटर भी रेडी हो गया है, सूख गया है, और गाइस हम इसे यहाँ लगा देंगे। हमने बॉक्स इसके हिसाब से ही बनाया है, थोड़ा सा फिटिंग रखी है मैंने जिससे भाई बिल्कुल फिट है। देख और मैं तो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, देखिए भाई बिल्कुल झकास। अब इसके आगे का पार्ट कट करते हैं और फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं, इस पर कलर भी करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन खैर गाइस बने रही यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, कुछ नई चीजें मिलने वाली इस वीडियो में आपको। तो गाइस इसका मैंने फ्रंट का पार्ट कट कर लिया है, काफी बेहतरीन तरीके से ये आ रहा है। और गाइस अब आते हैं इसके फैन पर। तो गाइस फैन के लिए मिला रहा हूं एडजस्ट फैन, फ्रेंड्स काफी समय बच जाएगा। एक बात और, ये काफी साइलेंट होता है फ्रेंड्स, आवाज नहीं करता, आराम से चलते पर जाएगा, हवा काफी अच्छी इसकी। और गाइस मैं आपको बता दूं ये 12 वोल्ट डीसी में है, और गाइस ये ब्रशलेस डीसी मोटर है, काफी लॉन्ग लाइफ होती है इस फैन की, बहुत ही आगे जाकर कभी खराब होगा, सिर्फ 12 वोल्ट डीसी पर चल जाएगा, साइलेंट चलेगा, हवा काफी अच्छी इसकी, और फ्रेंड्स आराम से खींच भी लेगा फैन, आप खींच के ठंडी हवा देगा। ठंडी कैसे देगा वो मैं आपको बता दूं इस वीडियो, फटाफट इसे फिट करते हैं। तो गाइस आप इसे नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते अपनी सुविधा अनुसार, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ही लगा लेता हूं फ्रेंड, कि ये कूलर टाइप का कुछ लगेगा। गाइस अभी प्लीज छोड़ कर जाइएगा वीडियो को, या स्किप मत कीजिएगा, अभी बहुत मेन पॉइंट आने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस फटाफट मैं इस पार्ट को कट करता हूं, उसके बाद इस पर पेंट करता हूं। A few moments later. तो गाइस
इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, बहुत इजी है। तो गाइस यहां पर मैंने 18650 लैपटॉप की 3 बैटरी सीरीज में लगा दी, अप्रोक्स 12 वोल्ट है। गाइस अगर आप इस बैटरी यूज करते तो प्लीज दोस्तों BMS का यूज जरूर करें। गाइस मैं इस पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूं, ये ऑटो कट है तो भाई इसमें BMS की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इसे चार्ज के दिखाता हूं, एक बार ऑन कर लेते हैं और देखिए ये रहा सॉकेट, देखिए गाइस ये चार्ज हो रही है, ठीक है देखिए कट कर देगी, ये ऑटो कट पावर सप्लाई है तो कहीं इससे बैटरी खराब नहीं होगी, जितना वोल्टेज हम सेट कर देंगे चार्ज ऑटो कट मार जाएगी। तो अगर आप इस बैटरी यूज करें तो प्लीज दोस्तों BMS की जरूर करें, या कोई भी अदर बैटरी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक स्विच दिया है और यहाँ पे एक सॉकेट, आप इसे चार्ज कर सको या इसे चला सको। तो चले भाई अब लगाते हैं भाई ये रेडिएटर जो कि गाइस सूख चुका है और मैंने इसकी टेस्टिंग कर ली, कहीं से भी लीक नहीं है, बहुत बढ़िया मस्त काम कर रहा है। तो भाई देखिए क्या मस्त लुक आ रहा है गाइस, जैसे गाइस ये बिल्कुल एसी हो, कूलर तो भाई लग ही नहीं रहा। देखिए तो गाइस ये है एसी कूलर, अब भाई इसे चला कर देखते हैं क्योंकि फ्रेंड्स के अंदर इनबिल्ट मैंने बैटरी लगाई है तो इसे चला सकते हैं। आए हाय 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 भाई वाह गाइस क्या मस्त है। और गाइस देखिए कितना एयर कवर कर रहा है, देख सकते हो, देखिए इतना सा फैन है और भाई यहाँ से सार में से हवा ले रहा है, तो गाइस कितना मस्त हवा दे रहा है आप खुद ही सोच सकते हो। और भाई अब ये नॉर्मल फैन की तरह काम कर रहा है, अभी ये ठंडी हवा तो दे रहा है लेकिन फिर इतनी ठंडी हवा नहीं दे रहा जितनी हमें चाहिए, बिल्कुल हमें AC बनाना भाई इसका। क्या मस्त हवा रही है गाइस, लगा इसके हवा टेस्ट कराता हूँ, देखिए क्या मस्त हवा, देख सकते हो गाइस बहुत बेहतरीन भाई। तो चले भाई इसे बंद करते हैं। अब गाइस ये फैन की तरह काम कर रहा है, इसका AC कूलर कैसे बना गया जो बिल्कुल चिल बिल्कुल ठंडी हवा दे, चलेगा उसका जुगाड़ देखते हैं। तो गाइस ये लेकर आया हूं कूलर का फैन, पापा का कूलर रखा था उसमें से निकाल कर लाऊं, बस पापा ही वीडियो ना देखे वरना भाई साहब मेरा ही कूलर बना देंगे। खैर मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं, आपका कूलर ही बन जाऊंगा, क्या दिक्कत है आपके लिए यार। तो गाइस इसे लगाते हैं भाई, कैसे कैसे लगाना है उसका जुगाड़ देखते हैं। तो गाइस यहां पर मैं लगाऊं 2 मीटर का पाइप, तो गाइस आप इस पाइप को अच्छी तरह जानते हो, इसमें 1/2 इंच का भी आता है 1 इंच का भी आता है। तो फिलहाल इसे कट कर लेते हैं, बहुत मस्त। और भाई यहाँ पे 3 क्लिप फटाफट गाइस मैं इसे लगाता हूँ, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा टाइट आएगा लेकिन आ जाएगा जो बात है, देखिए आ गया। तो भाई ये दोनों अच्छे तरह से टाइट कर दिए मैंने, देखिए। और भाई मैं तो कोई भी एक पाइप इस पर लगाना है लेकिन ये तो लूज है तो इसे निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी पर लगा देते हैं, ले जाए बिल्कुल बढ़िया टाइट। तो गाइस मैं ले कर रहा हूँ भाई बाल्टी में पानी और भाई इसमें सीधा ये डुबा देते हैं मोटर, मजे आए ये ले रहा है पानी, गर्मी का जो बात है। और गाइस ये भी इसमें रख देते हैं तो भाई पानी का सर्कुलेशन है वो बना रहेगा और पानी खत्म नहीं होगा, काफी टाइम लग जाएगा कूलर की तरह जैसे जल्दी खत्म हो जाता है इसमें खत्म नहीं होगा जल्दी। तो गाइस मैं आपको चला के दिखाता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, देखिए आ रहा है पानी आ रहा है, देखिए पानी नीचे आ रहा है, देखिए गाइस देखिए बहुत बढ़िया गाइस, बिल्कुल भी लीकेज नहीं है हमारे रेडिएटर में, देखिए पानी का सर्कुलेशन बना रहेगा, इसके अंदर घूम घूम कर पानी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगा देखिए, तो बस थोड़ा पाइप का सेटलमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर पाइप थोड़ा सा बैंड हो रहा है तो ये हमारी बैंड बजा रहा है कुछ नहीं, तो इसका भी जुगाड़ कर देंगे। तो भाई फिलहाल इसके अंदर रख देते हैं, देखिए पानी चल रहा है, आपको दिखा दीजिए इसके अंदर आपको, देखिए ये पानी चल रहा है। और गाइस अब कूलर चला के देखते हैं अपना जो कि अब रियल में कूलर बन गया है। तो गाइस मैंने एक जुगाड़ किया है, ये जो ग्लूस्टिक है यहाँ मैंने लगा दिया इसके सपोर्ट में, अब देखिए जो पानी है कंटिन्यू चल रहा है, देखिए बहुत मस्त तरीके से, देखिए ठीक है आपका बाजी बाजी होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई चला के देखते हैं, अरे हाय 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 गाइस क्या मस्त आ रही है बॉस, बिल्कुल ठंडी ठंडी। एक बात और गाइस ये चलता रहेगा तो भाई पानी और ठंडा होता रहेगा। गाइस मैं आपको एक बहुत ही मस्त फॉर्मूला बताता हूँ, भाई आप इसमें आइस यानी कि बर्फ भी डाल सकते हो। और भाई साहब गाइस बर्फ का आप लुक देखिए, देखिए क्या मस्त लुक आ रहा है, देखिए भाई इसे इसमें डाल दो है। पानी गाइस वैसे ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा जब ये सर्कुलेट करता रहेगा ना, लेकिन भाई मैं थोड़ी जल्दी है तो भाई अब चला के देखते हैं, पहले चलाते पंप, हाँ और चलाते हैं इसे। हाँ गाइस यकीन माने भाई बहुत ही मस्त हवा आ रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी। कूलर से जो कूलर में हिसाब होता है ना कुछ जाली वाली का, कुछ घास वास का या हनीकॉम का, गाइस उससे कई गुना बेटर है। एक तो इसमें पानी जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, सर्कुलेट होता रहेगा फ्रेंड आप जानते हो अच्छी तरीके से। और भाई ये एल्युमिनियम है तो गाइस पूरी पूरी चिल्ड हो रही है, गाइस ये बहुत ठंडी हो रही है, मैंने गाइस ये पूरी पूरी ठंडी होती रहेगी और गाइस ये अच्छे से बहुत ठंडी हवा देता रहेगा। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे बना सकते हो, और आपको थोड़ा और इसे बड़ा बनाना हो तो गाइस बड़े भी रेडिएटर आते हैं काफी बड़े बड़े, आप जानते हो अच्छी तरीके से, गाड़ी में या ट्रक में लगे होते हैं, आप उसमें लगाइए ऐसे करिए और भाई साहब आपका AC कूलर तैयार, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो 100% सेफ। एक बात और काफी लोगों का समझ ये भाई इस तरह से मुड़ा होता है, गाइस आप यहाँ पर कोई एल्बो बना सकते हो, UPVC या PVC पाइप की जुगाड़ से एल्बो बनाते हैं ना या आती भी मार्केट में,
उस लगा आप सीधा पाइप को ले सकते हो। तो गाइस ये पाइप ऐसे नहीं बेंड होंगे है ना, ये जुगाड़ की बात है तो आप कर सकते हो। और गाइस इस कूलर की खास बात है कि भाई इसे कोई भी बना सकता है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, इसे बहुत चीप बन जाता है, 100% वर्किंग है दोस्त। आप एक बार बताओ गाइस मुझे जरूर याद करोगे। लेकिन गाइस आप इसमें एग्जॉस्ट फैन ही लगाएं गाइस, ये आपको हवा खींच के देगा बहुत अच्छी तरीके, इसका पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। भाई फ्रेंड्स ये जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा। एक मिनट भाई, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि आपको हवा ना खिलाऊं। देखिए गाइस भाई, देखिए लाइव प्रैक्टिकल है, पता कैसे लिए हवा ठंडी आ रही है अब आप खुद देख सकते हो। तो गाइस प्लीज अभी कमेंट करके बताइए आपको हवा कैसी लग रही है। भी देखिए अपने बारे में सोचता फ्रेंड, सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भाई, जो बताए आपके जुगाड़ कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।